हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूँ क्लास 7 का चैप्टर 2, जिसका नाम है डेटा एडिटिंग एंड प्रिंट ऑप्शन इन एमएस एक्सेल 2013। यानी कि 2013 एमएस एक्सेल में डेटा एडिटिंग और एमएस पेंट का क्या फॉर्मेट है, कैसे प्रिंट होता है, कैसे डेटा एडिटिंग होता है और क्या क्या ऑप्शंस हैं। इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से जानेंगे। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, इस चैप्टर का नाम है डेटा एडिटिंग एंड प्रिंट ऑप्शन इन एमएस एक्सेल 2013। अब ये 2013 क्या है, 2013 क्या है। 2013 सबसे पहले इसका वर्जन है। हमारे एमएस एक्सेल का डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आए थे, जैसे कि 2007 आया, 2010 आया, 2013 आया, 2016 आया। अभी करंट में 2020 भी लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी वो मार्केट में पूरी तरह से नहीं आया है। तो हम लोग 2013 के बारे में समझेंगे। 2013 और 16 में बस बेसिक डिफरेंस है, जो कि आप पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, और एम एस एक्सेल के बारे में भी आप कुछ कुछ पिछले क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन इस क्लास में आप लोग डिटेल्स रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे है, एक्सेल इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड क्रिएटिंग ग्राफ्स। एटीसी एक्सेल का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड क्रिएटिंग ग्राफ्स, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन और ग्राफ को क्रिएट करने के लिए हम लोग करते हैं। इट प्रोवाइड्स स्प्रेडशीट फैसिलिटीज वेयर द डेटा इज स्टोर्ड इन अ टेबुलर फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ रो एंड कॉलम। यानी कि ये जो हमारा एक्सेल है, ये हमें स्प्रेडशीट फैसिलिटी देता है। स्प्रेडशीट कहने का मतलब होता है डेटा हमारा रो एंड कॉलम्स में सजा हुआ होता है। अब ये रो और कॉलम कैसा होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपके सामने मैंने अभी एक स्क्रीन खोलूँगा, जो कि हमारे एमएस एक्सेल का है स्क्रीन होगा। एमएस एक्सेल में हमारा डेटा किस तरह से दिखता है, हमारा रो एंड कॉलम किस तरह से दिखता है, उसका एक फर्स्ट यूजर इंटरफेस कैसा होता है, मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगा। तो हमारा एमएस एक्सेल का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमारा क्या हुआ, ये मेरा सेल हो गया। जितने भी कॉलम्स देख रहे हैं, ये सब हमारा सेल हो गया, ये सब हमारा सेल हो गया। ये मेरा क्या हुआ, रॉ एंड कॉलम्स में मेरा डेटा सजा हुआ। आप देख रहे होंगे कि सारे सेल्स एक दूसरे से डिवाइडेड है, एक दूसरे से अलग अलग कटे हुए हैं। पर्टिकुलर सेल का एक नाम भी होता है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 देख रहे होंगे, और ये हर एक सेल का, जैसे कि इस सेल का नाम अगर हम जानना चाहें तो इस सेल का नाम क्या होगा, A1। अब इस सेल का नाम जानना चाहेंगे तो B, इस सेल का नाम है 1, यानी कि बी रॉ का, बी कॉलम का फॉर सेकेंड रॉ। ठीक है, ओके, ये हमारा यूजर इंटरफेस हो गया किसका, एमएस एक्सेल, समझ गए ना, एमएस एक्सेल का है। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यू कैन फॉर्मेट योर डेटा इजली इन एक्सेल, यानी कि आप अपने डेटा को एमएस एक्सेल में आसानी से फॉर्मेट यानी कि सजा सकते हो, रख सकते हो। ठीक, यू कैन इंसर्ट सेल रोज कॉलम्स एनी वेयर इन द एक्सेल सीट, यानी कि आप एक्सेल सीट में कहीं भी किसी भी जगह पे रो कॉलम सेल इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि पहले से आप कुछ डेटा बनाए हुए हो, और बीच में हमें ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं, हमें एक और सेल की ज़रूरत है, या एक और रो की ज़रूरत है, एक और कॉलम की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं। किसी भी पोजिशन पर, कहीं भी, जहाँ भी आपका डेटा हो, वहाँ उसी बीच में आप चाहते हो इंसर्ट करना, आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेट द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज एंड डू मेनी मोर थिंग्स, यानी कि आप टेक्स्ट प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ इसमें यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कट कॉपी एंड पेस्ट डेटा इन वर्कशीट, यानी कि हम अपने डेटा को कट कॉपी और पेस्ट कैसे करेंगे। अब कट कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है, ज़रा इसको हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से जान लेते हैं। कट का मतलब होता है जो मेरा डेटा कहीं सेव है, उस डेटा को हम लोग वहाँ से कट करेंगे, यानी कि उस जगह से हटा के अब हम कहीं और रखना चाहेंगे, वहाँ पे वो डेटा नहीं होना चाहिए। कॉपी का मतलब होता है कि वहाँ भी रहे, लेकिन उसके अलावा एक और जगह पे एक नया फाइल क्रिएट हो जाए, यानी कि टू फाइल्स हो जाए, एक के बदले में एक का एक और कॉपी होके दूसरा फाइल बन जाए। जैसे कि हम लोग जेरोक्स कराने जाते हैं, तो हम लोग क्या कराते हैं, कॉपी ही तो कराते हैं। किसी एक फाइल को लेके जाते हैं, उसको जेरोक्स करा के और उसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। पेस्ट का मतलब होता है कि उस कॉपी या कट किए हुए डेटा को दूसरे जगह पे लगाना है या सेव करना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने कॉपी में से एक पेज को फाड़ लेते हैं, यानी कि कट कर लेते हैं, और उसको किसी दूसरे पेज में, दूसरे कॉपी में जाके पेस्ट कर देते हैं किसी गम के हेल्प से,
तो वो भी हमारा एक तरह का पेस्ट कहलाता है। तो हमारे कंप्यूटर में भी इसी तरह का होता है कि डेटा को कहीं से कट करिए, कट करने के बाद आप वहाँ से हटा के आप दूसरे जगह पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर लाइन बाई लाइन हम लोग समझते हैं, कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एडिटिंग डेटा इन ए वर्कशीट। यानी कि कट कॉपी और पेस्ट हमारे डेटा को एडिट करने के लिए एमएस एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। यूजिंग कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट कमांड हेल्प टू अवॉइड रिपीटिंग ऑफ टेक्स्ट इफ रिक्वायर्ड टू शिफ्ट और कॉपी डेटा टू एनी अदर प्लेस। यानी कि कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट कमांड का यूज़ हम लोग स्पेशली इसलिए करते हैं कि जो डेटा को हमको बार बार यूज करना पड़ता है, जो डेटा का हमको मोर देन वन टाइम लिखना पड़े, इस सब चीज़ों से बचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह आपको लिखना पड़ रहा है, दूसरे सीट में लिखना पड़ रहा है, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कट पेस्ट ऑपरेशन, कट पेस्ट ऑपरेशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग ज़रा अच्छे तरीके से जानेंगे। यू कैन यूज एक्सेल कट फीचर टू रिमूव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्कशीट। यानी कि आप एक्सेल वर्कशीट से वो जो डेटा है उसको रिमूव करने के लिए यानी कि हटाने के लिए आप कट का यूज करते हैं, ठीक है। देन यू कैन यूज द पेस्ट फीचर टू प्लेस द सेम इन्फॉर्मेशन एनी वेयर इन सम सॉरी सेम और अनदर वर्कशीट। यानी कि अब आप इसको पेस्ट का जो ऑप्शन है उसका यूज़ क्यों करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को या उस डेटा को किसी और जगह पे या उसी वर्कशीट में किसी और प्लेस पे आप चाहे तो सेव करना चाहें या लगाना चाहें, ठीक है। अब ये कट हम लोग कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग ज़रा जानते हैं। तो टू डू कट पेस्ट ऑपरेशन फॉलो द गिवन स्टेप। ये पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको एक चीज़ बोलना ज़रूर चाहूँगा कि ये जो स्टेप मैं यहाँ पे अभी पढ़ाने जा रहा हूँ ये आप अपने कॉपी में नोट्स के तौर पे ज़रूर लिखेंगे। आपके बुक में ये सारा कुछ दिया हुआ है कि आपका पेज नंबर आपका 19 हो गया, 19 नंबर पेज में फर्स्ट 1, 2, 3 एंड 4, 5 ये सारे आपके स्टेप्स हैं। इन सारे स्टेप्स को आप अपने कॉपी में लिखेंगे ताकि आपको भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कैसे कैसे हम लोग कट करेंगे और पेस्ट कैसे करेंगे। इन सारे ऑपरेशन को मैं यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल भी समझाऊंगा और मैं प्रैक्टिकली भी करके आपके स्क्रीन पे दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। सेलेक्ट द सेल यू वांट टू रिमूव एंड शिफ्ट टू सम अदर प्लेस। यानी कि सबसे पहले हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे या रोज को सेलेक्ट करेंगे या कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जो जिसको हम वहाँ से हटाना चाहते हैं, किसी और जगह पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट होम टैब, सबसे पहले होम टैब पे जाएंगे हम लोग। देन हमारे पास है क्लिक कट बटन प्रेजेंट अंडर क्लिप बोर्ड ग्रुप। यानी कि होम टैब में जाने के बाद हमें क्लिप बोर्ड में हमको क्या दिखेगा, कट बटन दिखेगा। अब ये कट बटन हमें कहाँ दिखेगा, मैं आपको इस पिक्चर में दिखा दूँ तो कट बटन हमें यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे मेरा कट बटन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मूव टू सेल वेयर यू वॉन्ट टू पेस्ट द डेटा। यानी कि अब हम लोग वहाँ उस पोजिशन पर पहले अपने सेल को मूव करेंगे यानी कि अपने कर्सर को मूव करेंगे जहाँ पे हम डेटा को पेस्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि लगाना चाह रहे हैं, दूसरे जगह सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, क्लिक पेस्ट बटन प्लेस्ड अंडर क्लिप बोर्ड ग्रुप। यानी कि अब पेस्ट बटन हमारा कहाँ पे है, अब पेस्ट बटन हमारा कुछ यहाँ पे है, देख सकते होंगे आप पेस्ट बटन है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये पेस्ट बटन हमारा है, तो यहाँ पेस्ट करेंगे। डेटा विल गेट पेस्टेड टू द न्यू पोजिशन, आपका डेटा न्यू पोजिशन पे पेस्ट हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि हमें क्लिपबोर्ड में ही जाना पड़ेगा हमेशा कट करने के लिए या पेस्ट करने के लिए, नहीं। हमें कुछ शॉर्टकट कीज भी हमारे एक्सेल में होते हैं, उन शॉर्टकट कीज को हमें हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी फास्ट काम करता है, हमें ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि कट करने के लिए हम लोग Ctrl+X बटन प्रेस करेंगे तो हमारा डेटा वहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। आपको क्लिपबोर्ड में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। देन अगर आप पेस्ट करना चाहें तो Ctrl+V दबाएंगे, दोनों में दोनों ऑप्शन कारगर है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है काफ़ी फास्ट काम करता है, ठीक है। ये वाला भी ऑप्शन काफ़ी फास्ट काम करता है, आप क्लिपबोर्ड में जाने से आप बचें ताकि आपको आसानी से ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप काफ़ी फास्ट तरीके से काम कर पाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि
ये जो ऊपर हम लोग देखे हैं, जो भी स्टेप देखे हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली जरा स्क्रीन पे करके देखते हैं क्या सही में ऐसा होता है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं एक्सेल के स्क्रीन पे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि अपने इस डेटा को कट और पेस्ट कैसे करेंगे। और इसका थ्योरेटिकल नॉलेज तो हम लोग देख लिए क्या 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 स्टेप था, अब उन स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग कैसे उस डेटा को एक जगह से दूसरे जगह कट करेंगे। तो आपके स्क्रीन के आगे कुछ डेटा दिख रहा होगा, 10 डेटा है जिसमें मैंने कुछ स्टूडेंट्स का नाम इंटर किया है, साथ में उनके मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर के मार्क्स हैं। अब इसमें से हमें कुछ डेटा को, मुझे लगता है कि ये नहीं, ये क्लास सिक्स का बच्चा चलाया है, हम इसको इसको निकाल के अलग रखना चाहते हैं और मुझे सिर्फ क्लास सेवन वाले के लिए ही डेटा ये बनाना है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी डेटा में से पहले उस डेटा को देख लेंगे कि मेरा कौन सा डेटा है। हो सकता है वो हमारे डेटा बीच में हो, ऊपर से हो, नीचे से हो, ऐसा भी हो सकता है, कहीं भी डेटा हमारा हो सकता है। हमारा पहला स्टेप क्या था कि सबसे पहले अपने क्या बोलते हैं कि सेल पे शिफ्ट होना पड़ेगा कि जो सेल को हम लोग कट करना चाहते हैं। यानी कि हो सकता है कि मेरा, मान लेते हैं कि ये जो हमारा 3 डेटा है, सोनू, राजीव और रोहन का जो डेटा है, ये डेटा ना ये क्लास सिक्स का डेटा चलाया है। तो ये डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, होम टैब में। हमारा होम टैब में ऑलरेडी हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। होम टैब में आपके पास ऑप्शन क्या है, यहाँ एक तो यहाँ पे कट का ऑप्शन है, आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने कर्सर रखा तो वहाँ दिख रहा है कट, और वहाँ पे उसको लिख रहा है Ctrl+X, लिख रहा है ना। उस Ctrl+X आपको बताया था शॉर्टकट की होता है कट करने का, तो हम यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं या Ctrl+X भी दबा सकते हैं। हम यहीं पे क्लिक करके आपको बता रहे हैं। तो यहाँ हम लोग डेटा को कट कर लेंगे। ठीक है, अब मेरा डेटा यहाँ से कट हो चुका है, यानी कि सेलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने दूसरे स्टेप पे जाएंगे कि हमको डेटा को पेस्ट कहाँ करना है। अब हो सकता है कि ये डेटा हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहें, यहाँ पे पेस्ट करना चाहें, यहाँ पेस्ट करना चाहें, जहाँ भी हम पेस्ट करना है। मान लेते हैं कि इस डेटा को हम यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने कर्सर को ले गए। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारा क्या, फिर से हमें कहाँ जाना है, नेक्स्ट हमें जाना है फिर क्लिपबोर्ड में ही। तो क्लिपबोर्ड का जो सेशन है, सेक्शन पूरा क्लिपबोर्ड ही सेक्शन ये बोला जाता है, ये जितना ऑप्शन आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्लिपबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब क्लिपबोर्ड में छोटे साइड के सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं क्या है, आप क्या करना है, हमें पेस्ट करना है। अब डेटा को पेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। अब पेस्ट करने के अंदर में भी 3 ऑप्शन है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपका नॉर्मल डेटा पेस्टिंग के बारे में हम लोग बताएंगे कि डेटा आखिर पेस्ट कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, इस जो लोकेशन पर डेटा हमें पेस्ट करना है, तो डायरेक्ट इस पेस्ट बटन पर हम जरा क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो अब हम, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आप देख रहे होंगे कि ये तीनों डेटा यहाँ से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो गया। यहाँ से डेटा तो हट गया लेकिन यहीं पे आ गया, और सारा का सारा फॉर्मेट भी वही है, यानी कि कलर मैंने जो भी चूज किया था वो कलर भी इसके साथ यहीं आ गया, जो बैकग्राउंड कलर था वो सारा कुछ कट के यहाँ पे आ गया। तो हमारा कट और पेस्ट कुछ इसी तरह से होता है। मैं इसका लाइव आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, और भी जितने भी चीज़ आपके एक्सेल में होंगे वो सब मैं यहाँ पे लाइव अपने कंप्यूटर पे करके ही दिखाऊंगा, और आप लोग क्लास खुलने के बाद आप लोग अपने लैब में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कॉपी एंड पेस्ट कमांड। अब जैसे कट और पेस्ट है और कॉपी और पेस्ट है, दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कट वाले में क्या होता है कि हमारा वो डेटा जिसको हम लोग कट किए हैं वो उस लोकेशन से हट जाता है, यानी कि वहाँ से भी कट हो जाता है। ठीक, लेकिन कॉपी में क्या होता है कि वो डेटा वहाँ भी रहेगा और किसी अलग लोकेशन पे भी रहेगा, यानी कि वो डेटा का एक और कॉपी बन के किसी अलग लोकेशन पे भी आ जाएगा। लाइन बाय लाइन हम लोग एक बार फिर समझते हैं। इन एक्सेल यू कैन कॉपी डेटा फ्रॉम वन एरिया ऑफ ए वर्कशीट एंड प्लेस द डेटा यू कॉपीड एनी वेयर इन द सेम और अनदर वर्कशीट। यानी कि आप अपने डेटा को कॉपी करते हैं और उस डेटा को कहाँ सेव कर सकते हैं, एनी वेयर यानी कहीं भी उस वर्कशीट में। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक्सेल का जो पहला हमें दिखता है लेआउट, उसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे एक्सेल का पहला पेज जो हमें दिखता है उसको हम वर्कशीट बोलेंगे। ठीक, उस वर्कशीट में या फिर किसी अदर वर्कशीट में हम लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, इन अदर वर्ड वंस यू टाइप इन्फॉर्मेशन इन टू द वर्कशीट, यानी कि एक बार जब आप वर्कशीट में इन्फॉर्मेशन टाइप करते हैं एंड यू वांट टू प्लेस द सेम इन्फॉर्मेशन समवेयर एल्स ऑल्सो, यानी कि उसी सेम इन्फॉर्मेशन को कहीं और भी आप लगाना चाहते हैं,
यू डू नॉट हैव टू रीटाइप द इंफॉर्मेशन, आपको दोबारा वो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप उस डेटा को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यू कैन सिंपली कॉपी इट एंड देन पेस्ट इट एट द न्यू लोकेशन, यानी कि सबसे पहले आप उसको कॉपी करेंगे, उसके बाद उस डेटा को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसका स्टेप क्या है मैं फिर से बोलूँगा, ये भी आप लिखेंगे अपने कॉपी में, आपका जो नोट्स का कॉपी होगा कंप्यूटर का, उसमें ये सारा कुछ लिखेंगे, हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट डेटा, हाउ टू कट एंड पेस्ट डेटा, या स्टेप टू कॉपी एंड पेस्ट डेटा, ये ऐसे करके आप उसको अच्छे तरीके से सजा के लिखेंगे, और ये पांचों स्टेप आप लिखेंगे वहाँ पे। मैं स्कूल खोलते ही ये सारा कुछ चेक करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूँ, क्वेश्चन आंसर के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि सारा चीज़ प्रोवाइड करूँ, पिछले चैप्टर का भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा क्या करना है, सेलेक्ट द सेल यू वांट टू कॉपी टू सम अदर प्लेस, यानी कि सबसे पहले उस सेल को हमें कॉपी करना सेलेक्ट करना है जिसको हम दूसरी जगह पे कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग होम टैब में जाएंगे, जैसा कि हम लोग कट करने के समय में भी गए थे, तो यहाँ पे क्या है, क्लिक कॉपी बटन, सबसे पहले हम लोग वहाँ क्या कर देते हैं, कट बटन पे क्लिक करते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, कॉपी बटन पे क्लिक करना है, और कॉपी बटन का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी होता है, तो कंट्रोल प्लस सी भी दबा सकते हैं या कॉपी पे भी जाके हम लोग दबा सकते हैं, ठीक है। दिस विल कॉपी द डेटा ऑन क्लिपबोर्ड, यानी कि ये आपका जो डेटा है उसको कॉपी करके क्लिपबोर्ड में रखे, ठीक। अब क्या होगा, मूव टू सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट द डेटा, यानी कि आपको उस लोकेशन पे जाना है या आपको उस सेल पे जाना है जहाँ पे आप डेटा को सेव करना चाहते हो, ठीक है। यानी कि उस डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को आप जिस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं उस सेल पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, क्लिक पेस्ट बटन फ्रॉम क्लिपबोर्ड ग्रुप, यानी कि आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके पेस्ट बटन दबाना है, जिसका कि शॉर्टकट आपको पहले से पता है, कंट्रोल प्लस भी है, कंट्रोल प्लस भी पेस्ट करने के लिए, जो कि हम लोग कट के साथ भी पेस्ट का यूज करते हैं और कॉपी के साथ भी पेस्ट का ही ऑप्शन करते हैं। जैसे ही हम लोग कंट्रोल वी दबाएंगे तो हमारा वो डेटा पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसका फिर से एक लाइव सेशन करके देखते हैं कि कैसे आखिर हमारा डेटा कॉपी होता है, हम आपको अभी स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं कि हमारा डेटा कैसे कॉपी और पेस्ट होता है। चलते हैं हम लोग एक्सेल के स्क्रीन पे। तो बच्चों हमारे पास सेम डेटा है, इसी डेटा को हम लोग चाहते हैं किसी और लोकेशन पे हम लोग सेव करना चाहें, ठीक है। तो और लोकेशन हमारा या तो हम इसी सीट में कर सकते हैं, ये जो हमारा बगल में जो खाली स्पेस है यहाँ भी हम डेटा को कर सकते हैं, या फिर किसी अलग सीट में भी कर सकते हैं, और ये इंटायर सीट आपके आगे जो दिख रहा है, पूरा जो सेल दिख रहा है, इसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। एक वर्कशीट हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सेम वर्कशीट में हम डेटा को कैसे पेस्ट करते हैं। तो हमें मन है कि नीचे का लास्ट जो थ्री डेटा है उसको कॉपी करना है और इस बगल में हमें पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस सेल पे जाना है जिसको हम लोगों को कॉपी करना है। सबसे पहले हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिए। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट में हमें जाना है क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड में जाके हमको क्या करना है, कॉपी करना है। अब कॉपी का बटन भैया कहाँ पे है ये बता दो, कॉपी का बटन हमारा जस्ट यहीं पे है, जैसे कट के नीचे हमारा कॉपी का बटन होगा, ठीक है। कॉपी बटन पे हम लोग कॉपी बटन पे दबा दिए, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें डेटा को यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पहले सबसे पहले अपना सेल को मूव करके ले आए, सेल को मूव करने के बाद या तो हम लोग कंट्रोल वी दबाएंगे, नहीं तो फिर सेम जैसे कट के साथ करते थे पेस्ट बटन पे, पेस्ट बटन पे जाके दबा देंगे। देखिए आपका डेटा यहाँ पे पेस्ट हो चुका, हो गया क्या, आपका सेम डेटा पेस्ट हो गया, जैसा कि आपका डेटा इस सीट में था, जैसा इंटायर इस सीट में आपको डेटा दिख रहा होगा, सेम डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटायर डेटा यानी कि पूरा का पूरा डेटा जो है, अब हम लोग इसको कट करके ज़रा देखते हैं, ये तो हमारा सेम वर्कशीट पे था लेकिन हम अनदर वर्कशीट पे, तो हम एक और वर्कशीट यहाँ से नीचे से क्रिएट करते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा सीट वन, एक और हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं सीट टू नाम से, आपके आगे एक नया ब्लैंक खुल के आया होगा, ब्लैंक वर्कशीट खुल के आया होगा। तो इस सीट में हम लोग इस लोकेशन पे यानी कि जी लोकेशन पे, जी लोकेशन आपको दिख रहा हो, इस लोकेशन पे हम वो सारा डेटा को चाहते हैं कि कॉपी और पेस्ट करें, ठीक। तो सबसे पहले हम इस वर्कशीट पे आएंगे, सारा डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा को सेलेक्ट कर लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम लोग नेक्स्ट सीट पे जाएंगे,
इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे जहाँ हमें पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पेस्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो देखिए मेरा सारा डेटा यहाँ पे आ गया क्या? आपका सारा डेटा वहाँ आया बताइए आप? आपका सारा का सारा डेटा यहाँ आ गया। आप ज़रा चेक करते हैं कि सीट वन पे मेरा डेटा है या नहीं है। सीट वन पे भी आपका डेटा यहाँ पे दिख रहा है, सीट टू पे भी यहाँ डेटा दिख रहा है, दोनों सीट पे हमारा डेटा है। तो कुछ इसी तरह से हम कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट का ऑप्शन को एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे अंडू एंड रीडू कमांड। अंडू का मतलब होता है फिर से उसी जगह पे चले जाना है कि लास्ट मेड चेंज को आप हटा सकते हैं। रीडू का मतलब फिर से जो चेंज था उसको डिसचेंज कर सकते हैं, यानी कि डिस्कार्ड कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। पिछला जो चेंज था हम लोग उसको हटा सकते हैं। अंडू और रीडू, अंडू का मतलब पीछे की ओर जाना, रीडू का मतलब आगे की ओर जाना, ठीक है बच्चों, एक क्लियर होना चाहिए। तो लाइन बाय लाइन फिर समझते हैं। यू कैन अंडू द लास्ट मेड चेंजेस इन योर वर्कबुक, यानी कि आप अपने वर्कबुक में जो भी लास्ट चेंजेस किए हैं उसको पीछे की ओर जा सकते हैं, यानी कि उसको चेंज कर सकते हैं। यू कैन इवन यूज अंडू मेनी टाइम्स कंटिन्यूसली टू डिस्कार्ड रिसेंटली मेड चेंज, यानी कि अगर आप बार बार अंडू का यूज करेंगे तो आप फर्स्ट में जो जहाँ जिस स्क्रीन पे थे उस स्क्रीन पर डायरेक्टली जा सकते हैं जो कि रिसेंट में आप चेंज लाए थे, ठीक है। टू अंडू यू जस्ट नीड टू क्लिक अंडू बटन फ्रॉम क्विक क्विक एक्सेस बार और प्रेस कंट्रोल जेड, यानी कि आप अंडू करने के लिए क्विक एक्सेस बार में भी जाके अंडू बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल जेड पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अंडू और रीडू कमांड दोनों एक ही बार लाइव दिखाऊंगा, इससे पहले हम लोग रीडू के बारे में भी समझ सकते हैं। यू कैन रीडू द लास्ट डिस्कार्ड चेंजेस इन योर वर्कबुक। रीडू का मतलब फिर से जैसे कि हम लोग अंडू कर लिया लेकिन फिर देखा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, फिर हमें उसी लोकेशन पे जाना है कि जैसा हम पहले था वैसा ही हम चाहते हैं, तो रीडू बटन दबाएंगे, ठीक है। टू रीडू यू जस्ट नीड टू क्लिक रीडू बटन फ्रॉम क्विक एक्सेस बार और प्रेस कंट्रोल वाई बटन, ठीक है। तो कंट्रोल वाई बटन से हम लोग रीडू कर सकते हैं और कंट्रोल जेड बटन से क्या कर सकते हैं? अंडू कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्कशीट पे यानी कि एक्सेल पे जाके कि हमारा डेटा अंडू और रीडू कैसे होता है। हमारे पास सेम डेटा रहेगा, उस डेटा के ऊपर हम लोग अंडू और रीडू परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास सेम डेटा फिर से है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कॉपी पेस्ट करके ज़रा देखते हैं, सॉरी कट पेस्ट करके देखते हैं, ठीक। किसी भी डेटा को पकड़ लेते हैं हम लोग, ये डेटा है, इस डेटा को कट कर लेते हैं, यहाँ से हम कट कर लिए और यहीं पे ले आकर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहीं पे हम लोग ले आकर पेस्ट कर दिए, ठीक है। हमारा डेटा यहाँ तो पेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि रीडू करना है, सॉरी अंडू करना है, यानी कि जो डेटा मेरा जैसे था वैसे ही करना है। बीच में हमें एक खाली स्पेस ठीक नहीं लग रहा है, ये नहीं चाहिए हमें ऐसा। तो हम क्या करेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार मेरा यहाँ पे होता है जो ऊपर वाले पोर्शन पे आप देख रहे हैं, चार ऑप्शन हमारा है, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये ऑप्शन है जो आप बैकवर्ड की तरफ आपका जो तीर घुमा हुआ है उसको हम लोग अंडू बोलते हैं। आप वहाँ पे जैसे ही कर्सर को रखेंगे तो वहाँ पर लिखा आएगा अंडू पेस्ट, ठीक। तो अब हम लोग अंडू बटन पे क्लिक करके देखते हैं क्या परफॉर्म होता है। तो आइए देखते हैं क्लिक करके। देखिए आपका डेटा वहाँ से हट गया, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आपका डेटा वहाँ से हट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर रीडू करना चाहते हैं, नहीं ये तो गलती हो गया, ऐसा हमें करना नहीं था, जो पहले था वैसा ही करना है, ठीक है। तो अब अंडू के बगल में जो फॉरवर्ड की तरफ आपका एरो दिख रहा होगा उसको हम लोग रीडू बोलते हैं, ठीक है। उस पर कर्सर आप ले जाएंगे तो वहाँ भी आपको दिखेगा रीडू पेस्ट। तो अब जरा इसको जब दबा के देखते हैं कि क्या होता है। ये क्लिक किए फिर सेम पोजिशन पर चला गया मेरा डेटा, यानी कि अंडू और रीडू कुछ इस तरह से हमारा काम करता है जो कि आप अपने स्क्रीन पर लाइव देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट, अंडू एंड रीडू, ये जो हमारा तीन टॉपिक है यहाँ पे हमारा समाप्त हो रहा है। और आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। और इस वीडियो को आप देखने के बाद जो भी आपको मैंने बोला है कि लिखना है वो आप लिख के वीडियो देखने के बाद तुरंत ही हमें दिखाएंगे, यानी कि आपका वीडियो मैं आज भेज रहा हूँ तो आज ही आप वीडियो देखने के बाद वो अपने कॉपी में लिखेंगे और हमसे एक बार चेक कराएंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा फाइंड एंड रिप्लेस डेटा इन वर्कशीट, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे, यानी कि हमारे पास होगा 50-100 डेटा होगा, उस डेटा में से हमें किसी पर्टिकुलर डेटा को फाइंड करना है यानी कि खोजना है और उस जगह पे किसी और डेटा को रिप्लेस करना है। इसके बारे में हम लोग
अगले वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे और डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा एक्सेल, हमारे हर एक दिन डेली लाइफ में काम आने वाला चीज़ एक्सेल है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें और समझें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे लगेगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।